नहीं खुशी, बुरी बात, प्लीज इसको उसकी जगह पे रखकर आ जाओ। तो सुन तो सही मैं क्या कह रही हूँ। क्या कह रही हूँ? सुन, हमारी भी ऐसी फोटो बनवा देना। क्यों? क्यों क्या मतलब? मेरे कमरे में होगी तो मुझे भी खुशी होगी। अच्छा, क्या जरूरत है इसकी? क्या मतलब क्या जरूरत है? जैसे ये तेरी बीवी है, वैसे मैं भी तो तेरी बीवी हूँ। तूने मुझसे भी दिल से शादी की है ना? ये तो है। अच्छा प्लीज तुम इसको इसकी जगह पर रखकर आओ, मैं कुछ सोचता हूँ। और ध्यान से, ये टूटने ना पाए। आओ मेरे साथ। कहाँ? अरे आओ तो। अप्पू कहाँ लेके जा रहे हैं? तुम सवाल बहुत करती हो। बता तो सही। आओ मेरे साथ। कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? बातें नहीं करो, बस वहां जाके बैठ जाओ। थोड़ा इधर हो, बस एक मिनट। तुम मेरी तस्वीर खींच रहे? हमारी तस्वीर खींच रही है। स्माइल करो, मेरा मतलब हंस के दिखाओ। इसमें देखो, ए बी पी फॉर बानो। सी डी 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 ई। पढ़ने देना मुझे, पढ़ी लिखी नहीं, अनपढ़ बीवी चाहिए। अच्छा तो तू चाहता है मैं सारी जिंदगी अनपढ़ रहूं और तेरी दूसरी वाली बीवी वो पढ़ी लिखी रहे? हाँ, पढ़ी लिखी ने जिंदगी भर कुछ नहीं दिया, जो ये अनपढ़ दे रही है। अच्छा क्या दे रही है अनपढ़ बीवी? तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर चलते हैं। अरे वाह, लेकिन वो क्या? अप्पा जी, अम्मा जी, देवर जी, इन सब की खिदमतें कौन करेगा? इनको अपनी खिदमतें करना आती हैं। तुम तैयार हो जाओ, मैं तैयार हो गया था। चलो मैं तैयार हो गया हूँ। चलते हैं, एक मिनट। ये क्या कर रही हो? तेरे जूते साफ कर रही हूँ पप्पू। मगर क्यों, पागल हो गई हो? तुम्हारा पल्लू खराब हो जाएगा। चलो खड़ी हो। कुछ नहीं होता, अम्मा भी ना अब्बा के जूते साफ करती थी बाहर जाने से पहले। मर्द बाहर साफ सुथरे अच्छे लगते। तुम अपनी अम्मी की चीजें यहाँ मत धोराओ, बहुत सारे मुलाजिम है, कोई भी कर देगा। खड़ी हो। लेकिन बीवी मियां के जूते साफ करती है, मैंने बहुत सो को देखा है पप्पू। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम मेरे साथ ही जा रही हो ना? ये पल्लू खराब हो जाएगा तो बुरा लगेगा। चलो खड़ी हो। मुझे लोगों को थोड़ी ना दिखाना है, मुझे तो तेरे साथ चलना है ना। चलो। और अम्मा ने कहा पगली तू तो कभी नहीं सुधरेगी, पगली रहेगी।
पता है आज काफी जमाने बाद मैं खुल के ऐसा हूं। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है खुशी। वरना मैं तो किसी भीड़ में खोसा गया था। क्यों, अपनी पहली बीवी के साथ नहीं घूमता था? उसे अपनी एनजीओ और दीगर मसरूफियात से वक्त मिलेगा तो मेरे साथ घूमने आएगी। हाँ पप्पू, तू ठीक कह रहा है। भाजी बेचारी पर ना बहुत जिम्मेदारी है, बहुत मसरूफ रहती है वो। तू हंस क्यों रहा है? जिम्मेदारियों का सोच के हंस रहा हूँ। तुम वाकई बहुत मासूम हो। हाँ शांत, मैं हांगकांग में बैठी हूँ, वरना तुम्हारी इतनी मिन्नत नहीं करती। तुम्हें इस सवाल को पूछने के अलावा कोई और सवाल पूछना आता? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, रहने दो। ये बताओ कि ब्रूनो कैसा है? उसको खाना वाना दिया था टाइम पे? हाँ, तुम्हारे कुत्ते को उसकी डाइट वक्त पर मिल रही है। तुम्हारा कुत्ता बीमार नहीं था जिसके बारे में इतना पूछ रही हो, बीमार मैं था। ओह माय गॉड, क्या हो गया जुनेद तुम्हें? अब तबीयत कैसी है? कुछ नहीं हुआ, जिंदा हूं अभी। लेकिन जब तुम जा रही थी ना, उसे बुखार में तड़प रहा था और तुम उसी हालत में मुझे छोड़कर चली गई थी। उसके बाद जब भी फोन किया तो या तो अपनी बेबी की डाइट के बारे में पूछा, ये कि खुशी प्रेग्नेंट हुई है ना। आई एम सो सॉरी, मेरे जहन से ही निकल गया था। खैर, हाउ आर यू नाउ? ठीक हूँ मैं। पूछने के लिए थैंक यू। खैर, अब तुम जाओ तो मैं तुम्हारी सो कॉल्ड कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स अटेंड करनी है। बाय। एटीट्यूड हाँ। कुछ नहीं हुआ है, कर छोड़ो। चलो आज कितने अच्छे से रेस्टोरेंट में चल के खाना खाते। जी शाहजी, आपने बुलाया। जुनैद का साहब? जुनैद अब बिल्कुल ठीक है। और वो लड़की? वो जुनैद के साथ गई है। साथ गई है मतलब? वो जुनैद का बाहर जाने को दिल चाह रहा था, उसको भी साथ ले गया है। दिमाग खराब हो गया जुनैद का? क्यों शाहजी? मुझे नहीं, जाओ जाओ, तुम यहां से जाओ, शाबाश।
जनपद को मैडम कहा? तो तुम किसी मैडम से कम थोड़ी हो। जिस अपने को कह रहा है ना, तुझे पता है मैं मैडम नहीं हूँ। लेकिन ये बात ये लोग नहीं जानते, इनके लिए यहाँ हर आने वाला साहब और हर आने वाली मैडम है। अच्छा इस तरह घूरना बंद करो वरना लोग हमें नोटिस कर रहे हैं। तुम्हें पता है यहाँ सारे बड़े बड़े आदमी खाना खाने आते हैं। हाय अल्लाह, इसका मतलब तुम और बाजी भी आते होगे ना? हाँ आए हैं एक दो बार। तुम बार बार उसका नाम क्यों लेती हो मेरे सामने? पप्पू, माना कि मैं तेरी पसंद हूँ पर वो भी तो तेरी बीवी है ना, बुरी बात होती है पप्पू। प्लीज मुझे यहाँ सबके सामने पप्पू ना कहो, क्या सब जानने वाले हैं मेरे। मुझे अच्छा लगता है पप्पू कहना। अच्छा तो ठीक है, तुम मुझे पप्पू ही कहो, लोगों की हंसी भी करती। तुम इधर उधर क्या देख रही हो? कुछ नहीं, मैं लोगों को देख रही हूँ। लोगों में ऐसा क्या रखा है? ऐसी सोच रही हूँ कि इन्होंने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं ना। हमारे यहाँ तो लोग शादियों में भी फटे पुराने कपड़े पहन कर आते हैं। अल्लाह भी ना किसी को देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और नहीं देता तो तरसा ही देता है। जी ऑर्डर आपको आज मैगी देंगे। मैं देखो क्या खाना है तुमने। हाँ भाई क्या क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास इटालियन है, तुर्किश है, इंडियन, अरबियन और बारबेक्यू। जी तो आप मेन्यू देख के बता सकते हो कि क्या है मेन्यू? चल तुम एक काम करो, दो थाई सूप ले आओ, हम खाना बाद में खाएंगे। ये थाई सूप क्या होता है? सूप सूप होता है। आई सी तुम लोग शायद उसे यखनी या शोरबा। हाय अल्लाह, यखनी? मतलब हम इतने बड़े होटल में आए हैं तो सिर्फ यखनी पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे क्या? खाना भी खाएंगे लेकिन पहले सूप पिएंगे, ताकि हमें भूख और ज्यादा लगे। अरे वाह, लेकिन मैं ये छुरी कांटे से कैसे खाऊंगी, मुझे तो नहीं आता। तुम वैसे ही खाना जैसे तुम खाते हो। कहाँ हो तुम? कहीं बाहर हूं। उस लड़की को लेकर कहाँ गए हो तुम? घुमाने फिराने। पागल हो गए? दो टके के लोगों को सर पर चढ़ाओगे तो सारी जिंदगी सर पर बैठे रहेंगे। मैं उसे सर पर नहीं चढ़ा रहा हूँ, बल्कि खुद उसके सर से उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तुम हमसे किस लहजे में बात कर रहे हो? I'm sorry, Dad. उस लड़की को लेकर फौरन घर में वापस आओ। एक्चुअली हम डिनर ऑर्डर कर चुके हैं तो अभी आ नहीं सकते। क्या तुम उस दो टके की लड़की के साथ बाहर डिनर कर रहे हो? डैड मैं नहीं आ सकता हूं, मैं ऑर्डर दे चुका हूं। जुनैद, अगर कोई हमारा जानने वाला तुम्हें उस लड़की के साथ देखेगा तो क्या सोचेगा? अपनी हैसियत और वकार मत भूलो, ऑर्डर कैंसिल करवाओ और फौरन घर में वापस आओ। सॉरी डैड, मैं आपका ये हुक्म नहीं मान सकता। जुनैद, मैं आज उससे ये खुशी नहीं छीन सकता हूं। I'm sorry.
हेलो पप्पू, तू आज मुझे इतना सर्व गरम खिलाए पिलाए जा रहा है, मैं मोटी भैंस हो जाऊंगी। थैंक यू, कुछ नहीं होगा, ऐसे भी आज की रात हमारी जिंदगी की बहुत अहम रात है। पता नहीं इसके बाद शायद इस तरह साथ बैठना नसीब होना हो। क्यों नहीं होगा भाई, जब मौका मिलेगा तब आएंगे, बल्कि बाजी को भी साथ लाएंगे, मैं उसे मनाऊंगी। हाँ पप्पू, तू इतना उदास क्यों हो गया? हाँ हाँ कुछ नहीं, आज मैं तुम्हारे सामने एक अहम इंकशाफ करने वाला हूँ, बस उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। कैसा इंकशाफ? है एक हकीकत, उसको बताते हुए मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे पा रही। तुम दुआ करो कि मैं आज तुमसे सारी बातें कह पाऊँ।